सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट मामले पर बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें कि पेटिशन जो है वो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चैलेंज किया गया था नीट के नतीजों को और तमाम इरेगुलरिटीज की बात जो है वो सामने आई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से एनटीए को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैंक्टिटी एग्जाम की, इम्तिहान की मर्यादा और सैंक्टिटी, पवित्रता जो है वो इफेक्ट हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कही है और अब एनटीए को जवाब दायर करना है। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को एक बार फिर सुनवाई होगी इस मामले में। आपको बता दें कि तमाम पेटिशन्स जो हैं वो लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में नीट रिजल्ट के खिलाफ। इसमें एक पेटिशन है फिजिक्स वाला की भी, जो कि अलक पांडे की पेटिशन है। आपको बता दें फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं अलक पांडे, जिनके लॉयर हैं जे साई दीपक, वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने अपनी पेटिशन भी टैग अलोंग करने की कोशिश की। जे साई दीपक क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं। देखिए, मल्टीपल पेटिशन्स कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पेटिशन्स वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पेटिशन्स लिस्ट हुए थे, जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इश्यू हो गए हैं। बट आवर पेटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, विच क्लियरली शोज, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, दैट क्लोज टू अबाउट 70-80 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड इन ग्रेस मार्क्स रैंडमली टू एटलीस्ट 1500 स्टूडेंट्स। So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था, हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा, तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है। आपको बता दें जे साई दीपक ने जैसा कहा कि काउंसलिंग पर कोई स्टे फिलहाल जो है वो नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एनटीए से जवाब जरूर मांगा है। ये जरूर कहा है कि मर्यादा इम्तिहान की अफेक्ट हुई है, पवित्रता इम्तिहान की अफेक्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये एनटीए से कहा है। अब मामले की सुनवाई कब होगी इसकी जानकारी आपको देंगे। 8 जुलाई वो तारीख बताई जा रही है और एक बार फिर तमाम जो बैच ऑफ पेटिशंस है उन्हें इकट्ठा सुना जाएगा। अब आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं। 720 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है नीट का। इसमें इस बार 2024 के एग्जाम में 67 बच्चे जो हैं वो 720 में से 720 स्कोर कर जाते हैं, यानी कि टॉपर बन जाते हैं। यानी कि वो एग्जाम जिसमें पिछले बीते सालों में हमने देखे 2, 4, 6 टॉपर, वहां इस बार 67 बच्चे टॉप कर जाते हैं। पेपर लीक की अफवाहें उड़ती हैं जिसका एनटीए सिरे से उसे खारिज कर देता है। इसके अलावा आपको बता दें तमाम आरोप ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी को लेकर लगे हैं, ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी पर सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। जब एनटीए से पूछा गया कि 718 और 19 मार्क्स कैसे स्टूडेंट्स ने स्कोर किए, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में ये प्रोबेबिलिटी रहती नहीं है कि कोई 718-19 स्कोर करे, वो 716 स्कोर कर सकता है, 715 स्कोर कर सकता है, लेकिन 718-19 स्कोर नहीं कर सकता एक नीट के एग्जाम में। एनटीए ने इस पर जवाब दिया कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सबसे ज्यादा रडार में, सबसे ज्यादा स्क्रूटिनी में ग्रेस मार्क्स की यही पॉलिसी है। इसके अलावा सवाल या निशान इस बात पर भी हैं कि 14 जून को जो आपने रिजल्ट जारी करना था वो अचानक 4 जून को आपने क्यों जारी कर दिया। लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए कि जब देश जो है वो इलेक्शन बज में बिजी होगा तब ये नतीजे जारी कर दिए जाएंगे, ये आरोप है। तो ये आरोप है एलिजिट इरेगुलरिटीज के जो आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो हमने बताया रडार पर है ग्रेस मार्क्स की वो पॉलिसी, जिसको लेकर एनटीए ने कहा है कि भाई हमने क्लैट का जो पॉलिसी है उसे अप्लाई किया है। लेकिन विरोध करने वालों ने यह भी कहा है कि क्लैट की पॉलिसी आपने किस आधार पर नीट के मेडिकल के एग्जाम में आपने किस लगा दी है। अब एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर कहा है कि 1563 बच्चों का
रिवाइज जो है वो रिजल्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके लिए इंटरनल कमेटी बैठेगी। लेकिन सवाल ये भी लोग कर रहे हैं कि आपकी ही गड़बड़ी पकड़ने के लिए आपकी ही कमेटी कैसे बैठ जाएगी। तो ये सवाल या निशान जो है वो नीट रिजल्ट पर लगातार बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तीन बड़ी बातें हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काउंसलिंग पर स्टे फिलहाल नहीं लगेगा, काउंसलिंग जारी रहेगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि एनटीए को नोटिस जारी कर दिया गया है, एनटीए अब सुप्रीम कोर्ट से के रास्ते आएगा और वहां से जवाब देगा। तीसरी बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है कि सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता, मर्यादा, इम्तिहान की एग्जाम की वो अफेक्ट हुई है, इसलिए हम एनटीए की दलील सुनना चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर, गंभीर विषय है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।